रायपुर में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति के संबंध में राज्य सरकार ने धान खरीदी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक ली। बैठक में आगामी धान खरीदी को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान राज्य सरकार ने 2022-23 में 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कहा गया कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने कई समस्याओं के बीच धान खरीदी की थी, लेकिन इस बार सरकार कितनी तैयार है, इसको जानने के लिए रायपुर संवाददाता चित्रा पटेल ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से क्या बातचीत की, आइए सुनते हैं। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के नेतागण, खास करके आदिवासी समाज से वादा किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम पैसा कानून देंगे। उस दिशा में आगे बढ़े हैं और कल कैबिनेट ने अप्रूव किया है पैसा कानून एक्ट को। तो मैं अपने आदिवासी समाज के सभी भाइयों बहनों को बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। आगामी वर्ष की धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। अभी समिति उप समिति की बैठक थी, क्या तैयारी की गई, क्या नीति बनाई गई? खरीफ वर्ष 2022-23 की धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक की गई। ये हर वर्ष होता है कि धान खरीदी से पहले मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक और उसमें नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। पीछे समय धान खरीदी के समय कई समस्याएं होती थी, बारदाना की कमी से लेकर कई समस्याएं हैं टोकन को लेकर, तो इस समय क्या उस कमियां को जो है दूर की जाएगी? बिल्कुल दूर की जाएगी और इस बार हम पहले से अलर्ट हैं कि जो खास करके बारदाना को लेकर के तकनीकी रूप से परेशानी आती है और हम लोग भारत सरकार से अनुबंध किए रहते हैं और उसमें हम लोग बंधे रहते हैं। तो ये थे छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। जैसा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी करने की जो लक्ष्य रखा है, तो क्या देखना यह होगा कि क्या सरकार अपने लक्ष्य पर सफल होती है। कैमरामैन अजहर के साथ मैं चित्रा पटेल, एमके न्यूज रायपुर।